नमस्कार, मैं हूँ ज्योइता मित्रा सुवर्णा और मेरे साथ इस वक्त वो दो कलाकार मौजूद है जिनको आपने बहुत सारा प्यार दिया है। इनफैक्ट जिस शहर में जा रहे हैं वहाँ हंगामा मचा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का इंडिया टीवी पर। और अनन्या विजय, आई थिंक यू ऑल आर जस्ट किलिंग इट एवरीवेयर। फिल्म तो अभी बाकी है एंड जिस तरह से आप लोगों को लोग देख रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, यू ऑल आर गोइंग टू स्मॉल सिटीज एंड सब, एक्साइटमेंट लेवल ही कुछ और है। यस, जहाँ भी हम जा रहे हैं इतना सारा प्यार मिल रहा है, यू नो वी आर ऑल्सो फीलिंग वेरी ओवरवेल्म्ड एंड ग्रेटफुल एंड एक्साइटेड, क्योंकि फिल्म भी ऐसी है, यू नो इट्स दैट मसाला एंटरटेनर एंड आई एम श्योर जो भी देखेगा उनको मज़ा ही आने वाला है। एंड दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर गोइंग ऑल अक्रॉस इंडिया ट्राइंग टू मीट एज मेनी पीपल एज पॉसिबल एंड स्प्रेड दैट लव। यस, आई सॉ योर इंस्टाग्राम स्टोरी जस्ट नाउ, फैंडम स्टार्ट्स, या राइट, फैन टूर, फैन टूर, फैन टूर, फैंडम टूर। सो जब आप फिल्म करते हो, आपका एनवायरनमेंट अलग होता है, लोग पहचान वाले होते हैं, बट व्हेन यू गो आउट एंड टॉक टू पीपल जो आपके फैंस हैं जिनके लिए आप काम करते हो, सो हाउ इज़ इट विजय, जब लोग आकर के आप से मिलते हैं, बात करते हैं, सो व्हाट इज़ योर अप्रोच टुवर्ड्स योर फैन? आई थिंक एवरीवन लव्स बीइंग लव्ड, और जब इतने सारे लोग से प्यार मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है, और लगता है कि और ज़बरदस्त पिक्चर बनाना है इन लोगों के लिए, और मिलना है, और टाइम स्पेंड करना है, उन लोगों को और मेमोरीज देना है। I think our purpose as actors in this life is to just give people memories while we are here. और ये रह जाता है ना? Yeah, it stays forever. Yeah. Cinema's forever. आज भी आप अपने फादर की फिल्में देखते हो एंड यू, मतलब लाइगर का मतलब क्या है? इस फिल्म के जरिए लाइगर का मतलब हम क्या समझ पा रहे? लाइगर का एक्चुअल मीनिंग है कि लायन और टाइगर का एक क्रॉस ब्रीड, एक बड़ा सा एनिमल है, और पिक्चर में एक लाइगर इज एक्चुअली ह्यूज, इट्स बिगर देन अ लायन एंड टाइगर, इट्स अ वेरी ह्यूज एनिमल। और पिक्चर में जो किरदार मैं निभा रहा हूँ वो भी एक बीस्ट की तरह है, और वो एक सिंगल मदर, हिज अ सिंगल मदर ब्रिंग्स हिम अप एंड शी इज़ लाइक अ टाइग्रेस, शी फाइट्स फॉर हिम, प्रोवाइड्स फॉर हिम एंड इज फाइटिंग फॉर हिम टू बिकम, कुछ बनना लाइफ में बोल के माँ बहुत वर्क करता है। और मेरा पापा का नाम पिक्चर में लायन बलराम है, जो नहीं है पिक्चर में पर उनका नाम सुनते हैं हम एक दो बार, तो इसलिए उनका नाम लाइगर रखा गया। दो इंडियन एक्टर, हॉलीवुड भी इसमें शामिल है, लाइक यू ऑल आर रिप्रेजेंटिंग, लाइक यू नो मैं कहूँगी कि हाँ, टेकिंग केयर ऑफ एवरी डिपार्टमेंट, हिंदी सिनेमा, तेलुगु सिनेमा, उधर हॉलीवुड, तो ये जो समागम है, जो मिला जुला जो सरकार हम कहते हैं, सो हाउ इज़ इट, हाउ बिग इट हैज़ बिकम? ऑफकोर्स माइक टायसन के हम सभी फैन हैं, लेकिन आप लोगों ने काम किया है साथ में, तो आपकी मेमोरीज या टायसन से काम करना, टाइसन के साथ काम करना, ही इज़ अ ह्यूज ह्यूज लेजेंड। एंड हम सोच रहे थे जाने से पहले कि एक्चुअली होने वाला है कि नहीं होने वाला। आई थिंक फ्रॉम द नाइट बिफोर ओनली वी वर लाइक ओके इज़ दिस रियल। हमने इतनी प्रेपरेशन की थी बिफोर दैट शूट, हमने रीडिंग्स और सब की थी, हम एक दिन पहले भी गए थे बुकिंग करने के लिए, बिकॉज वी वॉन्टेड टू मेक श्योर कि जब टाइसन सेट पे आए तो यू नो एवरी थिंग इज सॉर्टेड। एंड आई रिमेंबर इट वॉज विजय शॉट वेन ही केम, और मैं बैठ रही थी बिहाइंड द मॉनिटर एंड सडनली ही वॉक्स इन एंड ही इज एवरी थिंग एंड मोर दैट यू कैन इमेजिन, यू नो जस्ट हिज पर्सनैलिटी, यू पुट हिम इन फ्रंट ऑफ द कैमरा, ही डजंट हैव टू डू एनी थिंग एंड ही इज सो 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 कूल, इतनी मैग्नेटिक पर्सनैलिटी है उनकी। एंड ही वॉज वेरी चिल्ड आउट ऑल्सो, यू नो जो भी पूरी सर ने उनको उनसे करवाया, जो भी पूरी सर बताते थे उनको, ही वॉज कूल, ही वॉज रेडी टू डू एवरी थिंग, ही हैड नो surrenders. Yeah, he surrenders completely. उनको इंडियन खाना बहुत पसंद है, तो हमने उनके लिए बिरयानी लाई थी, नान, हाँ नान भी लाया था, and he told us also he really wants to come to India. Yeah. एक बार वो आए थे पहले, so we had a lot of fun with him actually. Yeah. Ananya, I think 2018 you had started 19, तब से अब तक
बड़ी 5 फिल्में आपने कर ली, 6 फिल्में आपने कर ली, मेरी 5वीं फिल्म है। सो इतने कम उम्र में इतने सारे और अलग अलग तरह की फिल्में की आई मास्ट से, बिकॉज इससे पहले गहराइयाँ भी डिफरेंट वर्ल्ड वाज अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, और अब ये, सो हाउ डू यू सी योर जर्नी, लाइक यू नो आई मीन इट्स जस्ट द बिगिनिंग फॉर मी, बहुत काम करना बाकी है, एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल कि इतने कम समय में आई गॉट टू वर्क विद सच नो ग्रेट पीपल, बी इट दीपिका, दीपिका यू नो शकुन, पूरी सर, विजय, आई हैव वर्क्ड विद सच ग्रेट पीपल, आई गॉटन टू लर्न सो मच, एंड आई होप कि जो भी मेरी जर्नी रहे आई वांट टू जस्ट कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग एंड चैलेंजिंग मायसेल्फ। हां मैं लाइफ के लिए स्टूडेंट ही रहना चाहती हूं। ऑफ कोर्स सीखना, अगर कोई कह दे कि मुझे सब आता है, यू कैन, व्हाट्स द फन देन इन लाइफ? आपके फैंस आपको क्या बुलाते हैं? मुझे अन्ना बुलाते हैं, राउडी बुलाते हैं, अभी लाइगर बुलाते हैं, अभी लाइगर भी नाम है, लीगर बुलाते हैं, लाइगर बुलाते हैं, बहुत कुछ बुलाते हैं। सो राउडी अब शायद क्लोथिंग लाइन भी आपकी? हाँ, फिर उसके बाद बनाया मैं क्लोथिंग लाइन राउडी बोल के। ओ फर्स्ट द फैंस यूज्ड टू कॉल यू दैट एंड देन द लाइन केम, आई डोंट नो व्हाट केम फर्स्ट, एगो चिकन। मैं कहीं पढ़ रही थी कि पढ़ाई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था नहीं, यू वांटेड टू लर्न थिएटर फर्स्ट। नहीं, कोई बच्चे को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं, मुझे था, मुझे बहुत इंटरेस्ट था मुझे पढ़ाई में। रेयर रेयर ब्रीड रहते हैं 10-6 लोग दुनिया में, एंड आई एम कमिंग बैकवर्ड्स, एंड मोस्टली लड़की रहते हैं जिसको पढ़ाई बहुत पसंद है, थोड़ी स्टूडियोस होती है लड़कियां, दे लाइक रीडिंग एंड स्टफ। लड़के लोग तो सिर्फ क्रिकेटर बनना या पुलिस बनना या एक्टर बनना, ऑल किड्स वांट टू बी अ क्रिकेटर, ऑल आई थिंक माय एंटायर क्लास वांटेड टू बी अ क्रिकेटर, या नाउ अलग अलग सा स्पोर्ट्स शुरू हो गया। व्हेन यू ब्रोक दिस थॉट ऑफ योर्स कि भाई मुझे कैमरा फेस करना है, सो हाउ वाज इट लाइक? मैंने जब अंडरग्रेड में था, बीकॉम कर रहा था, तब कॉलेज जाना की ज़्यादा शौक नहीं था, इजी ही था बीकॉम, घर में बैठ के एग्जाम्स लिख सकता था और अच्छी मार्क्स आते थे, तो कॉलेज ज़्यादा नहीं जाता था और टाइम वेस्ट हो रहा था, तो मेरा पापा ने, अरे कुछ बनो लाइफ में, मेरा पैसा वेस्ट मत करो, कॉलेज नहीं जाना है तो बोलो, मैं वो फीस नहीं पे करूँगा, क्यों वेस्ट कर रहे हो पैसा, बोल के मेरा पापा ने मेरे से झगड़ा किया। तो मैंने बोला कि मैं एक्टर बनना चाहता हूँ, कि ठीक है एक एक्टिंग स्कूल में ज्वाइन करो, चैलेंज किया रिवर्स में, पापा ने मुझे लेकर एक थिएटर, एक बहुत सा स्ट्रिक्ट सा थिएटर वर्कशॉप में ज्वाइन किया, थोड़ा ओल्ड स्कूल थिएटर सिस्टम में। तो जब मैं थिएटर करता था किया, तब मैं एक्टिंग से प्यार में गिरा। जब मैं परफॉर्म किया स्टेज पर, अलग अलग टाइम पे अलग अलग रीज़न के लिए एक्टिंग पसंद किया, पहली बार तो अटेंशन मिला तो अटेंशन के लिए पसंद आया, लड़की थे थिएटर में तो किसी बार एक बार वो रीज़न था, धीरे धीरे एक्टिंग ही पसंद किया, परफॉर्मिंग पसंद किया, तो ऐसा प्यार में गिरा एक्टिंग से, और ब्लेस्ड हूँ कि मैं कर पा रहा हूँ जो मैं पसंद करता हूँ हर दिन। उस वक्त तो लड़कियां थी तो आपको इंटरेस्ट आया, अब तो लड़कियां पसंद कर रही हैं आपको, और अब मैं काम पे गिरा, थोड़ा टाइमिंग रॉन्ग है। हाँ, थोड़ा टाइमिंग रॉन्ग। सारा अली खान ने भी कहा कि आप उसको पसंद हो, तब बहुत टाइम था हाथ में लड़की के लिए, बाहर जाने के लिए। आई नाउ थिंकिंग ऑफ गर्ल्स हु मेडिसिन ले रहा है सडनली, बिकॉज़ आई थिंक आई विल स्टार्ट कॉफिंग नाउ। तब टाइम था, अब टाइम नहीं, एक कोई एक काम अच्छी तरह कर सकते हैं हम, मैं मल्टीटास्किंग, या अब फोकस ये हो गया और टाइम नहीं मिल रहा है। अनन्या, पहले था कि चलो एक एक्टर आया या आई, थोड़ा वक्त लगता था एक मुकाम तक पहुंचने में, नाउ एवरी 5 years जनरेशन चेंजेस, अब आपकी फ्रेंड्स भी यू नो दे आर ऑल्सो एंटरिंग, भी सुहाना और शनाया, तो ये हाउ डू यू ऑल वेलकम, लाइक जब
आलिया आई थी, यू लुक्ड अप टू हर, अभी वो अनन्या को फॉलो करते थे, दे गोना लुक अप टू मी बिकॉज़ दे लाइक रियली ट्रबल मी अ लॉट, क्योंकि दे लाइक माय सिस्टर्स, यू नो दे फैमिली, एंड मैं हमेशा से बचपन से, यू नो, हमारा कलेक्टिव ड्रीम रहा है कि हम एक्ट्रेसेस बने. हम बहुत सारे एक्टिंग गेम्स खेलते थे, एक दूसरे को जज करते थे, यू नो, वी ऑलवेज हैड दैट, एंड बहुत सारी कॉन्वर्सेशंस हमेशा होती है हमारा, यू नो, अबाउट फिल्म्स एंड मूवीज एंड परफॉर्मेंसेज एंड स्टफ. तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. दे आर वर्किंग विद सच अमेजिंग पीपल एंड आई कांट वेट फॉर द वर्ल्ड टू सी देम. सुपर. आप दोनों ने एक दूसरे के बारे में क्या एक्सप्लोर किया व्हाइल वर्किंग? नाउ लुक एट हर एक्सप्रेशन, बताओ अभी. अनन्या बहुत हंसाती है मुझे. रुलाती नहीं हूँ ना अभी तक तो नहीं. बहुत अच्छी कोस्टार है. That chemistry, that bonding shows. You know, chemistry से भी ज़्यादा मुझे bond शब्द अच्छा लगता है. When there is a friendship. क्यों है ये bond अनन्या? I don't know. We'll find out on the 25th of August. No, but are you finished? Yeah. Okay. I feel very calm around him. When I'm around Vijay, I feel like सब ठीक हो जाएगा. सब ठीक हो जाएगा. Taken care. Yeah, everything will be fine. ये आपकी पहली हिंदी भाषा में फिल्म है. आपने बहुत सारे लैंग्वेजेस में काम किया है. अगर मैं इस भाषा की बात करूं तो कौन से ऐसे एक्टर्स हैं जो इंस्पायर करते हैं आपको? नॉट ओनली दिस, आई थिंक इन जनरल. आपको इंस्पिरेशन तो ज़्यादा नहीं लेता हूं, पर पसंद तो रणबीर कपूर है. मी आलिया थ्रू आउट. वो प्यार नहीं बदला, वो प्यार हमेशा ही रहेगा. I remember just watching her on screen for the first time jab unhone Shanaya ka kirdar nibhaya tha Student of the Year 1 mein, and there was no, I remember the moment also, there was no seats in the cinema and we were sitting on the floor and I just see her walk in and I was like, love for at first student, sight for student. Student of the Year 1, and it's been love since then. It's committed. Committed, yeah, I'm very loyal. Loyal, committed. Kareena and Alia, my answer doesn't change. Imagine. अगर फिल्म्स जो है वो इट्स ऑल अबाउट डायलॉग्स एंड पंचेस, कौन से ऐसे डायलॉग्स जो आपको इट विल स्टे विद यू फ्रॉम द फिल्म? आग है अंदर, दुनिया को आग लगा देंगे, सबकी वाट लगा देंगे, सबकी वाट लगा देंगे, ये डायलॉग. तानिया बहुत ड्रामेटिक है, बहुत एक्शंस करती है, एंड आई थिंक आई रिमेंबर सम ऑफ हर एक्सप्रेशंस एंड ऑल ऑफ दैट मोर. या फाइनली आई कैन सी अ क्यूट लिटिल चाय वाला टपरी का स्टॉल. कभी ऐसा मौका मिला एक्टर बनने के बाद कि चाय पीने चलते हैं फ्रेंड्स के साथ? यू गो? ऑफ कोर्स, ऑल द टाइम. कहाँ जाते हो पैप्स को बता देना. नहीं नहीं, एक चीज़ है जिनको जो वो नहीं जानते, मैं नहीं बताना चाहती. मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता हूँ, घर में ही रहता हूँ. मेरा दोस्त लोग घर आता है और मैं तो ज़्यादा कॉफ़ी पीता हूँ. मेरा मम्मी पापा रोज़ चाय से शुरू करते हैं दिन. तो या अगर मैं कहूँ कि आज इस मुकाम तक पहुँचने के बाद किसी एक चीज़ से डर लगता है, वो क्या है? फियर ऑफ आप बोलो. फेलियर, फियर ऑफ फेलियर. But you will overcome it. I hope, I mean, पर मुझे बहुत डर लगता है, you know, कि I don't, मुझे प्यार खोने से, I feel scared of losing love, yeah. Vijay? The only fears I have is health, because मेरा strength सब physically fit होने से कुछ भी किसी से भी fight करता हूँ, किसी situation जितना भी tough हो fight कर सकता हूँ, पर अगर health साथ नहीं दिया तो मैं थोड़ा वीक हो जाता हूँ. जब भी सिक होता हूँ थोड़ा मेंटली भी वीक होता हूँ, और मैं सर्वाइव करता हूँ मेरा मेंटल स्ट्रेंथ से, तो वो थोड़ा डर रहता है. और लूजिंग समवन यू लव इज़ ऑलवेज स्केरी. आई थिंक दीज आर ओनली थिंग्स दैट आई एम अफ्रेड ऑफ. वेरी ट्रू, एज अ पेरेंट से कि हेल्थ अच्छा है तो सब ठीक है. थैंक यू सो मच एंड लवली चैटिंग विद यू ऑल, एंड आई एम श्योर ये फिल्म लोगों को बहुत बहुत पसंद आएगी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू.